14 वर्षों से समाज सेवा में सर्वोपरि कार्य कर रही समाज सेवी युवा समिति खनिया धाना ने डेफिनेशन अभियान के तहत गांव गांव में जाकर प्रेरित अभियान शुरू किया है। समाज सेवी युवा समिति खनिया धाना बाग खनिया धाना के आसपास के क्षेत्र में जाकर गांव गांव मजरा मजरा पर जन चौपाल लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज समाज सेवी युवा समिति के अध्यक्ष सैयद फिरोज अली और समिति के लोग वहां पर सदस्य चमरौआ मोहाली कला अचरौनी पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। इस मौके पर खनिया धाना पंचायत के सीओ राम प्रसाद गोछिया भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस दौरान राम प्रसाद ने समाज सेवी युवा समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज सेवी समिति बहुत अच्छा समाज हित में कार्य कर रही है और आगे भी ऐसे ही कार्य करने पर बधाई दी। और विकासखंड खनिया धाना की भीड़ एक यहाँ पर एकत्रित हो गई। वैक्सीनेशन अभियान यहाँ पर शुरू हुआ है जिसमें कल 300 से अधिक डोज लगाए गए। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए अत्यधिक उत्साह रहा। वहीं आपको बता दें कि वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो 25 और 26 अगस्त को रहने वाला है। इसके अलावा वैक्सीन कार्यक्रम में मुख्य योगदान ANM राजेश्वरी रिछारिया भारती कुशवाहा का रहा। आशा सहयोगी कार्यकर्ता ग्राम के सरपंच सेक्रेटरी समाज सेवी युवा समिति के अध्यक्ष सैयद फिरोज अली डॉक्टर सुखदेव पंकज प्रमोद कोहली नवीन कोहली शिवकांत सोनी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष महेश कोहली उपस्थित थे। और वैक्सीनेशन अभियान में समाज सेवी युवा समिति खनिया धाना ने अपना योगदान दिया। हंड्रेड परसेंट किसी को भी नहीं छोड़ना है, ये तो अपना शासन का लक्ष्य ही है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं रह जाए जिसके क्या है कि बिना डोज के रह जाए। और फिर ये तीसरी लहर आए तो अपने आदमी फिर हो जैसे अभी परेशानी उठाई ऐसे उठानी पड़े। ये तो प्रयास करना है सबका, अपन को रिकॉर्ड रखना है कि कोई भी आदमी अपने गाँव का जो है उसको फर्स्ट डोज लग गया तो उसको सेकेंड डोज लगवाने की अपन को प्राथमिकता में रहेगा, और जिसको फर्स्ट नहीं लगा तो उसको ढूंढ ढूंढ के लगवा लें, यही अपनी सार्थकता है। जी सर, जो ये अभियान चल रहा है इसमें जो वैक्सीनेशन सेंटर है उन पर कितना का लक्ष्य दिया गया है? ये यहाँ पे स्टार्टिंग में कल तक 250 का लक्ष्य था, फिर शाम को जो बैठक हुई उसमें फिर 50% इंक्रीज करके ऐसे 375 का हो गया था। तो सर 375 डोज लग रहे हैं? हाँ, लगने जो आप इतने लोग आ रहे हैं जो लोगों में जो उत्साह देखते बन रहा है उससे तो लगता है कि अपन 300 भी डोज कम पड़ जाएंगे। देखिए, जिले की और शासन की योजना है कि इस 25 और 26 तारीख में जो महा अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, ये जिले का टारगेट है 80,000 वैक्सीनेशन कम से कम जिले में हो सके। तो शासन का और समाज सेवी संस्था का सहयोग है और इसमें हम इसलिए सहयोग में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं और उनको जागरूक करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज आपने कहाँ कहाँ जाकर सहयोग प्रदान किया? देखिए, हमने मोहाली कला गए हम लोग, वहाँ पे हमने भी लोगों को जागरूक किया है और जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा जाकर लोगों को समझाया है। चमरौआ है अपना, सॉरी क्या नाम, अचरौनी है, ये बहुत सारे स्थानों पे हम लोग जाकर वैक्सीनेशन के संबंध में सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव में जाकर आपके द्वारा चौपाल भी लगाई गई। देखिए, गांव में जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर हैं और जहां पर नहीं भी हैं, लोग बाग जागरूक नहीं हैं, चौपाल लगा कर बैठे हुए हैं अपने अपने गाँव में अपने अपने स्थानों पर, तो उनको हम जागरूक कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति न बन पाए कि तीसरा जो क्या नाम जो लहर आने का संदेश है वो ना हो पाए, इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। तो आप ये किस संस्था के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारी समाज सेवी युवा समिति खनिदाना है और हमें करीब इसको 14-15 साल हो चुके हैं इस समिति को चलाते हुए, और हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है, हमारे कार्यकर्ताओं का हमेशा उद्देश्य रहता है कि समाज के हित में, देश के हित में, और सभी को जागरूक करें और सभी का सहयोग करें।